हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, जिसमें हमें तीन इक्वेशन गिवन है एक्स वाई और जेड में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इन सभी तीनों इक्वेशन को अरेंज कर लेना है एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू सेवन। सेकेंड इक्वेशन है एक्स, अब सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोई कोफिशियंट नहीं है, सॉरी वाई वाली कोई टर्म नहीं है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस जीरो वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू इलेवन। और थर्ड वाली इक्वेशन में जेड वाला कोई टर्म नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हैं टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जीरो जेड इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, जिसे हम ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए वो मैट्रिक्स होगी जो एक्स वाई जेड से के कोफिशिएंट से मिलके बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, ए के एलिमेंट्स एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर वन टू वन, फिर वन ज़ीरो थ्री, फिर यहाँ टू माइनस थ्री और जीरो। ठीक है, एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट होंगे एक्स वाई सेट, और बी भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स इक्वल टू के इधर जो ये वैल्यूज है सेवन इलेवन और वन। ठीक है, ये बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे सेवन इलेवन एंड वन। ठीक है, ये तो ये ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ए, अगर इसका आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, और वो जीरो के बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो इस जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आता है सो इट कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, सो यहां मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूं, इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन टू वन वन ज़ीरो थ्री टू माइनस थ्री ज़ीरो। ठीक है, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपांड करें अगर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा वन इंटू ज़ीरो प्लस नाइन माइनस टू इंटू ज़ीरो माइनस सिक्स प्लस वन इंटू माइनस थ्री माइनस जीरो। ठीक है, और दैट विल बी नाइन, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से सेकेंड से हमारे पास आएगा प्लस ट्वेल्व और थर्ड से माइनस थ्री। ठीक है, सो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है एटीन। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 18 विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन अब हम वो निकालेंगे। ठीक है, नाउ ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो अब हमें जो मैट्रिक्स ए है इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, और उसका बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं।
अब हमें ए का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए के सारे कोफैक्टर्स को ऑलरेडी निकाल के रख रखा है, ठीक है। नाउ दिस एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी इक्वल्स टू, सबसे पहले आप जो ये कोफैक्टर है इन्हें आप अरेंज कर लें, ठीक है, और इनका ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आएगा C11, इसकी वैल्यू है 9, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा C12, दैट विल बी -6, फिर C13, दैट विल बी -3, ठीक है। ऐसे आप इस ऑर्डर में लिख लीजिए, यहाँ पर C11, यहाँ C12, यहाँ पर C13, ठीक है। फिर यहाँ C21 जो कि है -3, फिर C22 जो कि है -2, फिर C23 जो कि है 7, फिर C31 जो कि है 6, फिर C32 जो कि है -2, फिर C33 जो कि है -2, ठीक है। फिर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज, टी का मतलब ट्रांसपोज है, ठीक है। जब इसका फाइनली आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी ट्रांसपोज ऑफ दिस, सो हम यहाँ पर उनका ट्रांसपोज लेंगे, सो रो वुड बी चेंजेस टू कॉलम, यहाँ पर आ जाएगा 9 -3 6, यहाँ पर -6 -2 -2, यहाँ पर आएगा -3 7 एंड -2। नाउ ए इनवर्स वुड बी एडजॉइंट ऑफ 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यूज लिख दी, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पर 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। नाउ हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है कि जो इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो एक्स की वैल्यूज लिख देते हैं हम एक्स वाई जेड यहाँ पर, ठीक है। और ए इनवर्स की जगह जो हमने निकाला है वो लिख देते हैं 1 बाय 18 इंटू 9 -3 6, ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ एलिमेंट्स उसके, -3 7 एंड -2 इंटू बी जो मैट्रिक्स है वो लिखना है, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 7 11 एंड 1, ओके, ठीक है। नाउ अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो एक्स वाई जेड वुड बी इक्वल्स टू 1 बाय 18 इंटू ये दोनों मैट्रिक्स को, ये और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिल रही है वो है 36 और 18 एंड 54, ठीक है। और जब हम 1 बाय 18 यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो फाइनल वैल्यूज़ मिलेगी वो होगी 2 1 और 3, ओके। सो एक्स इज़ इक्वल्स टू 2, वाई इज़ इक्वल्स टू 1 एंड जेड इज इक्वल्स टू 3, ओके। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।